एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ट्राई करने जा रहे हैं 6 रेडी टू ईट मील्स बाय टीटीसी कंपनी। ये साउथ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मील्स हैं। इसमें होने वाला है ओट्स मील, उसके बाद क्लासिक रवा उपमा, एप्पल ओट्स, नेक्स्ट है सेमिया उपमा, पोंगल और विस्बेल बात। ये रेडी टू ईट रिव्यू होने जा रहा है फॉर ऑल द बाइकर्स, ट्रेवलर्स, हॉस्टल में रहने वाले और ऑफिस गोइंग। जल्दी से खाना बनाओ, 5 मिनट के अंदर हम रिव्यू करेंगे वर्थ ईटिंग और नॉट। हम करने जा रहे हैं पोंगल का रिव्यू। फ्रेंड्स, पोंगल का मतलब होता है टू बॉयल और ये तमिल की सबसे फेमस ब्रेकफास्ट डिश है। टेस्ट में ये बहुत स्पाइसी नहीं है, जो नॉर्मली होना भी नहीं चाहिए। सॉल्ट भी इसका बिल्कुल आइडियल है। कलर इसका येलो है। इसमें काली मिर्च है, काजू डल रखे हैं, राई है, जीरा है और इसका टेस्ट बहुत पाउडरी टेस्ट है इसका। हाँ, हल्का सा पाउडरी टेस्ट है और कंपनी ने क्लेम किया है इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है। आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है। अनमोल, बाकी टेस्ट करके बताएं आपको कैसे लग रहा है अगर पोंगल से इसको कंपेयर करें। कॉफी सेम है बट मैं इसको 6 दूंगी आउट ऑफ 10। मैं इसको 5 दूंगा। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट रिव्यू। अब हम कर रहे हैं एप्पल ओट्स, जिम लवर्स के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, जल्दी से कुछ बनाना है। लेट्स टेस्ट दिस। स्पून डिफरेंट यूज करेंगे, सॉल्ट और स्वीट का सीन है। इसमें ब्लूबेरी भी है। वाह, इसमें ब्लूबेरी भी है। मैं ओट्स की ज्यादा बड़ी फैन नहीं हूं पर मैं इसमें एप्पल की वजह से और ब्लूबेरी की वजह से इसको टेस्ट करूंगी। ये थोड़ा सा लिक्विड ही नहीं है, ज्यादा लिक्विड ही है। ब्लूबेरी बहुत टेस्टी थी। जो एप्पल है वो जैसे हम ड्राई एप्पल में खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं वैसा है और ऐसा रखा हुआ है जैसे ओट्स ना ओवर कुक्ड है, काफी देर से ओट्स को बना के रखा हुआ ओवरनाइट। जिम लवर्स को पता होगा ओट पड़ रहे तो ऐसा होता है। और एप्पल है वो बहुत ही चुई है। इट्स वेरी टफ कि अगर कोई बुजुर्ग ने खाना हो तो नहीं खा पाएगा। आप क्या रेटिंग देंगे इसको अनमोल? मैं इसको 4-3। अब हम रिव्यू करने जा रहे हैं क्लासिक रवा उपमा। इसके ऊपर बहुत सारे काजू पड़ रखे हैं। आपको इसकी फोटो यहाँ पे दिखेगी और अनमोल आप ओरिजिनल फोटो यहाँ पे लगा देना ताकि आप कंपैरिजन। फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे मम्मा ये रवा उपमा बहुत ही टेस्टी बनाते हैं तो मैं तो बहुत ही इसको पर्टिकुलर कंपेयर करने वाली हूँ क्योंकि ये पता नहीं कैसा होगा, मम्मा वाला तो मुझे बहुत पसंद है। इसमें काजू डल रखी है, राई डल रखी है, हल्की सी हरी मिर्च भी है इसमें। और लेट अस ट्राई दिस नाउ। इसका टेस्ट बहुत माइल्ड है पर ये पोंगल से थोड़ा बेटर है। ये कर्नाटका की ट्रेडिशनल डिश है। इसमें लेंटिल और राइस से बनती है। इन्होंने बीच में इसमें इन्होंने बीच में मूंगफली डाल रखी है, राई डाल रखी है, लाल मिर्च दिख रही है। अमन टेस्ट करके बताइए प्लीज। लेंटिल मतलब दाल। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है, बहुत स्पाइसी है, बहुत टेस्टी भी है। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। इसमें मूंग दाल का बहुत ज्यादा टेस्ट आ रहा है, बहुत ही। और स्पेशली जो हम नॉर्थ इंडियन है जिनको थोड़ा स्पाइसी और चटपटा पसंद है उनके लिए बहुत बढ़िया है। ब्रेकफास्ट क्या इसको लंच में भी खा सकते हैं। इट्स वेरी टेस्टी एक्चुअली। मैं क्या रेटिंग दूंगा इसको? मैं इसको 7.5 देना चाहूंगी। 9 इनमें से सब बहुत बढ़िया है। फ्रैंकली मैंने असली वाला ये नहीं खाया हुआ पर इसका टेस्ट बहुत बढ़िया टैंगी है। जैसे दाल चावल में आपने मूंगफली डाल रखी हो और थोड़ा सा नींबू डाल रखा हो। क्यों अनमोल? अनमोल अब क्या रिव्यू करेंगे हम? नेक्स्ट है हमारी सेमिया उपमा। ओके अनमोल प्लीज डू द ऑनर्स। ओके, इसमें फ्रेंड्स सेमिया है, जैसे सेमिया इसका नाम है और इस पर बोल चुकी। इसके अंदर काजू डाल रखा है अनमोल। ये चने की दाल है ना? इसके चने की दाल है, इसमें काजू है और इसमें राई, ये राई है ना, राइट? ओके, हम इसको टेस्ट करेंगे और आपको। थोड़ा मैगी जैसा टेस्ट नहीं आ रहा इसमें। हाँ, मैं बोलने वाला था नूडल जैसा लग रहा है।
सेमियां होती भी तो ऑलमोस्ट नूडल्स ही हैं। हमारे पंजाब में एक्चुअली सेमियां मीठियां बनाई जाती हैं, तो ये नमकीन है तो थोड़ा सा मैगी वाला टेस्ट आ रहा है, पर टेस्ट बुरा नहीं है, पर टेस्ट बुरा नहीं है, टेस्ट अच्छा है। और मैं इसको 6 दूंगा पर, क्योंकि ये इतना बढ़िया है तो थोड़ी सी रेटिंग्स पे सबका हल्का सा फर्क तो आने वाला है। मैं इसको 6.5। ओके, अब हम लास्ट चीज टेस्ट करते हैं, वीडियो को शॉर्ट करते हैं ताकि हम जल्दी से आपके फिनिश कर सकें। अब है ओट्स उपमा। ओट्स उपमा, आई डोंट लाइक ओट्स। अनमोल को ओट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अनमोल इसके अंदर क्या क्या डाल रखा है? इन्होंने काजू डाल रखे हैं, बादाम डाल रखे हैं, काली मिर्च, और इन्होंने राई हर चीज में डाली हुई है। साउथ इंडियन डालते हैं वैसे। चलो फिर टेस्ट करते हैं इसे। इसमें मूंगफली भी है और चना की दाल भी है। सॉल्टी ओट्स ठीक है, पर मैं इसको बेसिकली अगर इन दोनों को कंपेयर करें, ये ओट्स काफी ड्राई हैं, मोर सॉल्टी हैं। हम लोग लाइक ओट्स सॉल्टी बहुत लोग खाते हैं, अपना अपना टेस्ट होता है। हम मुझे थोड़ा मीठे पसंद है, बुरे नहीं है। मैं इसको 6 रेटिंग दूंगा। आप अनमोल? मैं इसको 4 दूंगी। ये थोड़ा थोड़ा ओट फैक्टर करके भी है। अनमोल, तो ओवरऑल आपको ये कैसे लगा? ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये बहुत ही इजी टू मेक है, और लाइक आप अगर आपका कुछ खाना बनाने का मन नहीं है तो फटाफट से बनाओ और खाओ। लाइक मुझे ये थोड़ा स्मार्ट वर्क थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, बहुत इजी टू कुक, 5 मिनट्स में बन जाता है। इसको जल्दी से कुक कर सकते हैं आप, अगर ऑफिस जा रहे हैं, आप लेट हो रहे हैं, ब्रेकफास्ट बनाए, और आप होस्टलर हो स्पेशली। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ऐसी ऐसी अनबायस वीडियोस आपके लिए लाते रहें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हमारी वीडियोस देख सकें। अगर आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करना मत भूलें। हमें अच्छे अच्छे आइडियाज दें जो आपको चाहिए, हम आपके लिए लेके आएंगे, बिकॉज हम आपके लिए ही वीडियोस बना रहे हैं।